प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद उर्फ पंप के घर को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने करीब 4.5 घंटों तक 3 बुलडोजर और पोकलैंड मशीन से जावेद के मकान को ढहाया। देखिए कैसे प्रशासन टीम करेली के जेके आशियाना इलाके में पहुंची और फिर वहां पंप के घर का अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया। शुरुआत में 2 बुलडोजर मकान गिराने में लगे, घंटे भर में 3रा बुलडोजर भी मंगाया गया। घर से बनाने खाने के बर्तन और कपड़े बिस्तर बाहर निकाल दिए गए। मेन गेट और बाउंड्री वॉल को गिराकर टीम अंदर पहुंची। घर से डंडे लगे हुए कुछ झंडे मिले हैं, किताबें और कागजात भी मिले हैं। प्रयागराज में हुई हिंसा में पुलिस का दावा है कि जावेद अहमद ही मास्टरमाइंड है। देखिए इस वक्त मैं जावेद के मकान के सामने खड़ा हूँ, जहाँ आपको दिखाना चाहूंगा कि उसके मेन डोर को जो है घर के वो बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। और अब जो यहाँ पर पीडीए के कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, पुलिस फोर्स है, वो अब उसके घर के अंदर जो है वो घुस चुकी है। प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप की एक बेटी जेएनयू की छात्रा है, जिसका नाम आमरीन फातिमा है, जो शाहीन बाग आंदोलन से प्रमुखता से जुड़ी थी। लिहाजा जब इस मामले में आरोप जावेद और उनकी बेटी आमरीन पर लगे तो प्रशासन ने जावेद के घर पर नोटिस चिपकाया और फिर बुलडोजर चला दिया। पुलिस ने यहां से वेलफेयर पार्टी का झंडा और प्रचार सामग्री भी बरामद की है, लेकिन आमरीन का दावा है कि हिंसा से उनका और उनके पिता का कोई लेना देना नहीं है, तो पुलिस सख्त एक्शन की बात कर रही है। इसकी एक बेटी दिल्ली में पढ़ती है, जानकारी मिली है कि जेएनयू में पढ़ती है, वो भी इसी तरह के खुराफाती मामलों में लिप्त रहती है। ये पिता और पुत्री ये सब मिल करके पूरा प्रोपेगेंडा प्रोपोगेट करते हैं और अपने बचाव में तरह तरह की तरकीबें ढूंढते हैं, लेकिन सारे सबूत पुलिस के पास हैं और मुकदमा दर्ज है। 29 गंभीर धाराएँ लगाई गई हैं, उसके तहत अभी इनको हिरासत में लिया गया है। बहुत जल्दी आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। प्रयागराज हिंसा के 68 आरोपियों की बसों में भरकर कोर्ट में पेशी की गई। आरोपियों के परिवार परेशान होकर पकड़े गए लोगों को बेकसूर बता रही हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस बिना वारंट के उठा ले गई, साथ ही हिंसा के आरोपों को बेबुनियाद बताया। सहारनपुर में जुमे की नमाज से करीब 4 घंटे पहले यानी कि 10 बजे शेखपुरा कदीम गांव में नुपुर शर्मा की पोस्टर चस्पा किए गए, जिसके बाद पुलिस आनंद पानर में शेखपुरा से पोस्टर को हटवाने पहुंची। तस्वीरों में देखिए कैसे शेखपुरा गांव में करीब 10 जगह पर पोस्टर चिपकाए गए। ऐसे में माना जा रहा है कि जामा मस्जिद के बाहर जो हुआ वो सोची समझी प्लानिंग थी, क्योंकि एक दिन में बड़ी संख्या में पोस्टर नहीं छपते। सूत्रों का कहना है कि जिले में करीब 10,000 पोस्टर छपवाए गए थे, जिन्हें गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले में चिपकाने थे। पुलिस जिस जगह पोस्टर छपे हैं उसकी भी छानबीन करने में जुटी है। सहारनपुर में मुजम्मिल नाम के शख्स ने बवाल से पहले भीड़ को भड़काया। हालांकि पुलिस ने जुमे की हिंसा भड़काने वाले मुजम्मिल के घर को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया और फिलहाल वो जेल में है। यूपी के मुरादाबाद में हिंसा के आरोपियों की पैरवी करने गए समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर को सीओ सिटी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पता ही नहीं, मैं बता दूं पुलिस लाइन है, मैं बता दूं नहीं पता लगा कि बहुत लोग हैं।
फजीहत के बाद कमाल अख्तर पुलिस लाइन से बाहर आ गए। बता दें कि कमाल अख्तर अखिलेश यादव सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मुरादाबाद में हिंसा के आरोपी 25 उपद्रवियों को मेडिकल करवाया गया, इसके बाद जेल भेज दिया गया। जेल जाने से पहले पुलिस वाहन में एक उपद्रवी ने खुद को बेकसूर बताया। कहाँ से पकड़ा? किस आरोप में पकड़ा है आपको? जी यही आरोप। कहाँ से पकड़ा है तुम्हें? जी मुझे जामे से पकड़ा है। तुम बताया क्या? 5 बजे पकड़ा। कानपुर में हिंसा के बाद पुलिस के साथ अब केडीए एक्शन मोड पे नजर आ रहा है। केडीए के अफसरों ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में 2 बिल्डिंग सील कर दी हैं, जबकि इसी बिल्डर की तीसरी बिल्डिंग चकेरी वाजिदपुर में सील की गई। हिंसा के बाद इलाकाई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ऊंची इमारतों से ही दंगाइयों ने पथराव और बमबाजी की थी। जांच में सामने आया कि इलाके में ताबड़तोड़ अवैध निर्माण किया जा रहा है। दावा है कि बगैर नक्शे के ऊंची इमारतें खड़ी की गई थीं, जिसमें अवैध बेसमेंट भी बनाया गया। गोंडा में अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि पुलिस को उपद्रव करने वालों को गोली मारने की छूट दी जाए। गवर्नमेंट से मैं ये भी डिमांड करता हूँ, ये अलग से ये कानून बनाए कि जो भी कानून हाथ मिले पुलिस को, सेना को खुली छूट हो गोली मारने की, चाहे वो 1 करोड़ पत्थरबाज हो जिहादी, चाहे एक व्यक्ति हो, और उसका बचाव करने के लिए जिसका एक सर्किल ऐसा है कि कोई कानूनी सहायता दे रहा है, कोई जो है डिबेट में बैठ करके उनका बता रहा है कि मासूम है, माने बचाने कोई फंडिंग कर रहा है, कोई उत्साह रहा है। इसलिए हिंदुस्तान ये संविधान से चलेगा, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और जो भी कानून को हाथ में ले रहे हैं इनको कानून के दायरे में लियाया जाए, और नहीं जिस दिन हम 85% अगर खड़े हो गए तो उस दिन भारत इस्लाम मुक्त हो जाएगा। ये हमारी चेतावनी भी है, हम लोग पत्थर नहीं खाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुए बवाल को देखते हुए ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आगरा पुलिस ने मॉक ड्रिल की। पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण की रिहर्सल हुई। इस दौरान रबर बुलेट और आंसू गैस के गोलों को चलाने के साथ साथ अन्य जरूरी तरीकों का अभ्यास किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।